Okay, let's start our new lecture. Next lecture on मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे पहुंच गए थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली थी आपके रेडियस ऑफ गायरेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ये सुनो. ओके, वेलकम वेलकम यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. टिल देन आई एम मोदित राज एंड हेयर वी आर लर्निंग फॉर गेट एंड ईएससी एग्जाम. ओके, सो फॉर गेट एंड ईएससी वी आर लर्निंग हेयर. आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 9-10 ईयर्स इन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम मोड्स लाइक आईएएस, आईईएस, गेट एंड पीएसयूज. माई स्पेशलाइजेशन इज इन डिजाइन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली एंड माई बीटेक इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो माई स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स आर दीज डिजाइन सब्जेक्ट्स. हाउएवर आई हैव टेकन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन लास्ट 9-10 ईयर्स. ओके, दोज हू हैव दिस लिंक दे कैन डायरेक्टली फॉलो मी और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी विथ दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. यू कैन सेंड मी डायरेक्टली मैसेज एट दिस नंबर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज. दोज हु वॉन्ट टू डू सीरियस प्रिपरेशन ऑफ गेट एंड ईएससी फॉर फुल 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर, दे कैन गेट दी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है? यू हैव टू डाउनलोड लर्निंग ऐप. आपको अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना रहता है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ अपना गोल सेलेक्ट करना रहता है. आप अपना गेट और ईएससी गोल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं विद द नेम ऑफ कोर्स और फैकल्टी. तो आप यहाँ मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं. व्हेन यू विल सर्च हियर विद माय नेम, यू विल बी डायरेक्टेड एट माय प्रोफाइल. ये दिस इज प्रोफाइल. ये अभी का इंक्रीज हो गए हैं सारे नंबर्स, ये पुराना है. ओके, सो व्हेन यू विल गो टू माय प्रोफाइल, यू विल सी वहां पर कुछ ऑलरेडी पेड कोर्सेस हैं, वो कंप्लीटेड हैं. ये दोनों कंप्लीटेड हैं. टोम जो है वो चल रहा है, टोम का थर्ड पार्ट. होप सो, सॉरी, 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा. आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड, लेकिन कुछ स्टाफ है जो कोरोना की वजह से ऐसी जगह में लॉकडाउन हो गए हैं जिनके वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कोर्स लॉन्च करने में डिले हो गया है ये थर्ड पार्ट. बट डोंट वरी, आई होप कि 5 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें मैं टोम एज वेल एज सोम स्टार्ट कर रहा हूँ. टोम एज वेल एज सोम, कुछ लोग सोम के लिए भी पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था मैं सोम भी स्टार्ट करूंगा वेरी सुन. तो टोम पार्ट 3 और सोम पार्ट 1, ये दोनों स्टार्ट हो रहा है आपका 5 मई से, ठीक है? जैसा कि शेड्यूल अभी बना है तो वो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है फॉर यू ऑल. ओके, तो आई होप कि ये 5 मई से लॉन्च हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दिस. ओके, नाउ देर आर ऑल्सो फ्यू फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन दी प्लेटफॉर्म. यू कैन लर्न ऑल दीज क्लासेस. दीज आर पेड क्लासेस. तो जिनको भी सब्सक्राइब करना है वो क्या करेंगे, इनमें से किसी भी कोर्स पे क्लिक करके उसमें एनरोल कर सकते हैं. उसमें सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपका खुल जाएगा. सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में जाके यू विल सेलेक्ट, यू कैन सी 1 मंथ के लिए फी 5,000 है, बट अगर आप फुल ईयर की बात करें सो इट इज ओनली 25,000. इट इज नॉट 12 टाइम्स ऑफ 5,000, ठीक है? 25,000 है. उस पर आप कोड यूज करते हैं MR लाइफ, सो फी विल बी ओनली 22,500, ठीक है? सो दिस इज, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, इफ यू आर इन थर्ड ईयर ऑफ बीटेक, ओके, थर्ड ईयर बीटेक में हैं, देन दिस 2 ईयर प्रोग्राम इज द बेस्ट थिंग फॉर यू. तो 2 ईयर प्रोग्राम का फी जो है वो 30,000 है, और उस पर भी कोड यूज करते हैं तो आपका 27,000 ही बनता है फी. तो 1 ईयर का फी देखो बन रहा है 22,500, बट 2 ईयर का ओनली 27,000. तो दिस इज अ गुड थिंग, सो दैट यू विल बी एनकरेज्ड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम थर्ड ईयर, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फुल सिलेबस आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको
फोर्थ ईयर में सिर्फ क्या करना रहता है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिवीजन करो और टेस्ट दो, रिवीजन करो और टेस्ट दो, दैट्स इट। तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है, ठीक है, रादर के। फिर ज्यादातर स्टूडेंट को देखा है मैंने कि वो फाइनल ईयर में आते हैं और 1 ईयर प्रोग्राम करते हैं, बाई चांस वो उस साल क्या सिलेबस ही पूरा करते रह जाते हैं, सिलेबस पूरा करते रह जाते हैं, तो उस साल उनका सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह नहीं हो पाता है, फिर वो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो जनरल ट्रेंड ये है ना, जो भी आप देखेंगे उसमें 80-90% सिलेक्शन है ना वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बट अगर आप थर्ड ईयर से ही जाग जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, ज्यादातर मैं बोलता हूँ, ठीक है, थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम। अगर आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आराम से फाइनल ईयर के साथ ही अपना एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, आपको ईयर ड्रॉप जैसी चीज नहीं करनी पड़ती है। ईयर ड्रॉप का करता है ना, ईयर ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभी तो ये है कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो सब कुछ बंद है, और ऑनलाइन में भी आपको बेस्ट मिल रहा है, तो ऑनलाइन में अगर आप करते हैं तो आपको कहीं जाने की भी नीड नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी नहीं है, ठीक है। जो लोग इस लेक्चर को YouTube पर देखेंगे, दैट विल नॉट बी लाइव, दैट विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ हम लोग लाइव कर रहे हैं ये स्पेशल अनअकैडमी ऐप, तो वो लोग यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ये जो चैनल है ये भी ज्वाइन करें, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इस पर भी अपडेट मिलते रहते हैं आपको। सो नाउ लेट स्टार्ट, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? ओके, मैनी हैव ज्वाइंड टिल नाउ, ग्रेट। नाउ लेट स्टार्ट टूडेज क्लास। लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया था, उसमें क्या क्या कर चुके हैं देखो, जिन लोगों ने अभी क्लास नहीं किया, हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने बात की थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला था अपना एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसके बाद था मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर चुके हैं, साथ में हम लोग बात कर चुके हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, और बात कर चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, और बात कर चुके हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की, रेडियस ऑफ गायरेशन की लास्ट क्लास में, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये नहीं किया था वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, लास्ट क्लास में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करना सीख चुके हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाए उसकी हम लोग बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, स्लाइड्स आर नॉट वर्किंग, मेरे ऐसा कैसे हो रहा है? वॉइस सुन पा रहे हैं आप लोग? वॉइस मिल रही है? अच्छा, वॉइस मिल रही है। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, एक सेकेंड। रिफ्रेश कर देता हूँ, क्या हो रहा है? कुछ सीरियस अरे ये तो गायब हो गया सब। अभी स्लाइड आपको देख पा रहे हैं? स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। ओके ओके, अरे जो कुछ लिखा था वो सब गायब हो गया। चलो कोई नहीं, दोबारा लिखता हूं मैं, ठीक है। ओह, सारा गायब हो गया। चलो कोई नहीं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मालूम ही है, जो लोग नए हैं वो इसको देख सकते हैं पॉज करके। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है।
अभी सबको विजिबल है? आई एम राइटिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, विजिबल है? ओके ग्रेट। तो देखो जो लोग आज नए हों तो मैं बता दूं, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टॉपिक कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग बात कर चुके हैं पहले एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और इसी के साथ हमने बात की थी इसके जस्ट बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने बात की थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, और आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कि डिफरेंट फिगर्स का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाए। ओके, सो वी विल टेक वन जनरल केस, देन वी विल स्टार्ट फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स। ओके, तो जनरल केस करेंगे जिसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे कि इनके बीच में कोई रिलेशन भी हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों अलग अलग मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो क्या एरिया की हेल्प से हम मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं या नहीं, दिस वी विल सी विद ए जनरल केस। ओके, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको कहा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड रहती है बट नॉन प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड नहीं होती है, है ना। तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडीज, ठीक है, पहले देखेंगे फॉर प्लेनर बॉडीज और बाद में देखेंगे फॉर नॉन प्लेनर बॉडीज, नॉन प्लेनर बॉडीज, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला केस प्लेनर बॉडीज के लिए। ओके, प्लेनर बॉडीज के लिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट केस प्लेनर बॉडीज, तो प्लेनर बॉडीज के लिए हम क्या करें, एक जनरल प्लेनर बॉडी अज्यूम कर लें, कैसी, एक जनरल केस अज्यूम करते हैं, जनरल प्लेनर बॉडी अज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, जिस तरीके की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए यूज की थी बॉडी, वैसा ही एक जनरल प्लेनर बॉडी अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्लेनर बॉडी है और ये एक प्लेट के जैसा है, कैसा है, प्लेट के जैसा है। तो इस बॉडी का टोटल वेट, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया, है ना, और डेंसिटी रो और थिकनेस टी होगा। फिर से यहाँ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसका जो रो और टी है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है। जब थिकनेस यूनिफॉर्म होगा, जब थिकनेस टी जो है वो हर जगह सेम होगा और बहुत छोटा होगा, टी विल बी वेरी स्मॉल, थिकनेस टी क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो जब वेरी स्मॉल थिकनेस होगी तब ये बॉडी कैसी दिखाई देगी, एक प्लेट की तरह दिखाई देगी, देन इट विल बी कॉल्ड प्लेनर बॉडी। जो इसका मास होगा टोटल वो ऑलमोस्ट एक प्लेन में लाई कर रहा होगा, ऑलमोस्ट एक प्लेन में लाई कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, सोम में बता चुका हूं अभी, वो लिखा था मैंने, टोम का जो पार्ट 3 है और सोम का जो पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, ठीक है। वो 5 मई से देखो स्टार्ट हो जाए, जहाँ तक है आपका 5 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है, वही लॉकडाउन की वजह से कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने घर पे फंसे हुए हैं,
तो प्रॉपर कोर्स लॉन्च में थोड़ा 1-2 दिन का डिले हो जा रहा है। मैंने सोचा तो था 1 मई से लॉन्च हो जाएगा, लेकिन 1 मई से नहीं हो पाया लॉन्च, बट 5 मई से दे आर ट्राइंग हार्ड कि 5 मई से लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो सोम का स्टार्ट होगा और टोम का पार्ट 3 मतलब थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, तो वेरी स्मॉल होगा तो वो प्लेनर बॉडी कहलाएगा, एक प्लेट की तरह दिखाई देगा। यस और नो? अब देखो जरा, इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो यहां इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली ये हो जाएगी इसकी एक्स एक्सिस सेंट्रोइडल, ये हो जाएगी इसकी वाई एक्सिस सेंट्रोइडल। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस सेंट्रोइडल। अभी कंप्लीट बॉडी का अगर मैं मास कहूं तो कितना होगा? टोटल मास विल बी रो इनटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू थिकनेस। सो रो 80 विल बी दी टोटल मास। अब मैं क्या करूं, इस पूरे मास का मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, तो आई कैन कंसीडर ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम लाइक दिस। ये छोटा सा मास मैंने अज्यूम कर लिया, पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका छोटे का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? डी होगा। लेकिन इसकी थिकनेस तो सेम रहेगी टी, थिकनेस तो क्या रहेगी? सेम रहेगी टी। और ये डीएम क्या होगा? बहुत छोटा होगा, लाइक ए पॉइंट, है ना। और उसकी डिस्टेंस मान लेता हूं एक्स एक्सिस से कितनी है, वाई डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे रखा है? वाई डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस छोटे मास की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी इंटू छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम क्या होगा? छोटा एरिया इंटू थिकनेस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो टी टाइम्स डीए। ये सुनो, रो टी टाइम्स डीए लिखा जा सकता है। नाउ अब इस छोटे मास का मैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करूं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो छोटे मास की वजह से मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपने को क्या मिल जाएगा? छोटा मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। छोटा मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, कितना हो जाएगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां मास की वैल्यू रख दो भाई, मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो टी टाइम्स डी ए, तो वाई स्क्वायर इधर लिख दूं और डी ए इधर लिख दूं, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब मेरे को पूरा पता करना है, पूरा, तो टोटल मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ होल बॉडी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। छोटे वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रो टी वाई स्क्वायर डी ए। अब इसमें रो और टी दोनों क्या है भाई? कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म लिया हुआ है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर डी ए। अंदर क्या बचा? वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये क्या होगा? देखो, छोटा एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला छोटा एरिया, ये वाला है छोटा एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? छोटे एरिया का छोटा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर उसका इंटीग्रल कर दूं तो, इंटीग्रल कर दूं तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? पूरे एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बन जाएगा कि नहीं? ये एएमओ आई बन जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि टोटल मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू रोटी टाइम्स टोटल एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला मिला? क्या फॉर्मूला मिला कि किसी एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो उस बॉडी का अगर रो और टी कॉन्स्टेंट है तो इट विल बी इक्वल टू रो टी टाइम्स एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इस तरीके से मिल गया, बट दिस विल बी वैलिड
ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, प्लेनर बॉडीज के केस में आप ये लगा सकते हो। बात समझ आएगी नहीं? मेरे को उसका एरिया वाला पता हो जिस एक्सिस पे, रोटी का मल्टीप्लाई कर दो तो मास वाला मिल जाएगा। यस नो? गुड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या हम प्लेनर बॉडीज का सॉल्व कर सकते हैं? तो कर सकते। देखो पहला केस ले रहा हूं मैं, प्लेनर बॉडीज में रेक्टेंगुलर प्लेट, तो एक के लिए सॉल्व करेंगे बाकी के लिए लिखेंगे डायरेक्ट। रेक्टेंगुलर प्लेट, देखो रेक्टेंगुलर प्लेट कैसे होगी, अगर मान लो उसमें मास m है तो रेक्टेंगुलर प्लेट मान लो मेरा इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, दिस इज अ प्लेट, लाइक दिस। इसकी कुछ थिकनेस, अभी इसमें मास भरा जा सकता है, बिना उसके तो मास ही नहीं होगा। ठीक है, फिर तो वो एक प्लेन बन जाएगा, उसमें बस एरिया होता है। दिस इज प्लेट लाइक दिस, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो ये हो जाएगी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी सेंट्रोइडल जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस एंड इट विल बी पासिंग थ्रू लाइक दिस फ्रॉम दिस बॉडी। अभी यहाँ डायमेंशन आपको दे देते हैं भाई, कि ये टी है, ये बी है और ये क्या है, ये डी है। तो ये बॉडी बन गई, इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। फिर से वही कहानी, टोटल वेट डब्ल्यू है, टोटल मास एम है, टोटल वॉल्यूम वी है, टोटल एरिया ए है, थिकनेस एंड डेंसिटी रो एंड टी है और दोनों कैसे हैं, यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है। तो ये एक प्लेनर बॉडी है। ठीक, यहां पर हमको पता है मैं डायरेक्ट यहां फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्योंकि रो और टी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो मेरे को मान लो इसका क्या चाहिए है, एक्स एक्सिस के अबाउट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा, रो टी टाइम्स इसका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर दूंगा, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर दूंगा। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताओ एक्स एक्सिस पे कितना है, क्या फाइंड कर चुके हैं पहले ही, बी डी क्यूब बाई 12 होगा, होगा कि नहीं। अब इसमें क्या काम करें, रो टी इंटू एक बी डी बाहर निकाल लें और अंदर बच जाएगा डी स्क्वायर बाई 12, इतना बचेगा। अब ये रो टी बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूं, रो इंटू बी डी बताओ टोटल एरिया के बराबर हो और टी ये आ जाएगा, होगा कि नहीं, डी स्क्वायर बाई 12। ये ए इंटू टी, ए इंटू टी टोटल वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो गया डी स्क्वायर वाई ट्वेल्व। रो इंटू वी टोटल मास नहीं बन जाएगा, टोटल मास नहीं बन जाएगा क्या, यस। तो ये टोटल मास इंटू डी स्क्वायर बाई 12 आ गया, टोटल मास इंटू डी स्क्वायर बाई 12। बात समझ आएगी नहीं? एरिया वाला अगर याद है प्लेनर बॉडी के लिए तो तुरंत मैं मास वाला कैलकुलेट कर सकता हूं। ये सुनो, सिमिलरली अब हम कॉमन सेंस इंसान के अंदर है ये, इतना अगर वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो सिमिलरली क्या मुझे बी स्क्वायर बाई 12 नहीं मिल जाएगा, बोलो, बी स्क्वायर बाई 12 नहीं मिल जाएगा, बन जाएगी कहानी के नहीं, टोटल मास इंटू टोटल मास इंटू बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर है? अब जरा बताओ यहां पर क्या मैं इस जेड एक्सिस के अबाउट भी पता कर सकता हूं कि नहीं, इस जेड एक्सिस के अबाउट भी पता कर सकता हूं कि नहीं, बोलो, क्या यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होगी कि नहीं, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होगी कि नहीं होगी, बताओ फटाफट बताओ। होगी, वेरी गुड, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है, प्लेनर, प्लेनर में परपेंडिकुलर वैलिड होता था, साफ साफ बताया था लास्ट क्लास में।
आई एक्स प्लस आई वाई कर सकते हो, तो दोनों को जोड़ दो, क्या एम कॉमन आ जाएगा, क्या एम कॉमन आ जाएगा, क्या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 12 नहीं लिख सकता हूँ क्या, बोलो जा सकता है कि नहीं। दिस विल बी दी अबाउट जेड एक्सिस फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, जेड एक्सिस फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। समझे? तो यहां लग जाएगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो सब में लगेगा। मान लो तुमको इस एक्सिस के अबाउट पूछते, फाइंड दी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू बॉटम, पासिंग थ्रू बॉटम इस ए एक्सिस के अबाउट बताओ, तो मेरे को इस एक्स बार एक्सिस पे पता है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, डी वाई टू बन जाएगी, डी वाई टू बन जाएगी। तो यहाँ मालूम है आई एक्स बार, तो आई ए निकल जाएगा कि नहीं, आई ए विल बी इक्वल टू आई एक्स बार प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सुनो, पैरेलल वाली तो हर समय वैलिड होती ही है, आप साथ में परपेंडिकुलर भी यहां लगा सकते हो बिकॉज इट इज प्लेनर बॉडी। क्लियर है जी? तो एक प्लेनर बॉडी के लिए हमने समझ लिया, बाकी के लिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि हमको इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट, तो ट्राइंगुलर प्लेट मान लीजिए इस तरीके से दी है आपको, प्लेट है, मास है, तो उसमें थिकनेस जरूर कुछ ना कुछ होगा, थिकनेस जीरो नहीं हो सकता। सो दिस इज केस, यहां होगा कहीं इसका सेंटर ऑफ मास, और दिस इज वाई बार, दिस इज एक्स बार, दिस इज थिकनेस टी, यूनिफॉर्म एवरीवेयर लाइक दिस। मान लेते हैं ये इसका बी है और ये इसका एच है, ठीक है, बी एंड एच, बी एंड एच। इसमें भी मुझे अब पता करना है कौन सा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, रो टी टाइम्स एरिया वाली वैल्यू लगाओगे, उससे आपको मिलेगा अबाउट एक्स एक्सिस, आ जाना चाहिए आपका, आ गया, हाँ, एम एच स्क्वायर बाई 18, टोटल मास एम एम एच स्क्वायर बाई 18, और वाई पे आपका आ जाना चाहिए एम बी स्क्वायर बाई 24। दीज विल बी दी वैल्यूज, दीज विल बी दी वैल्यूज, यू कैन चेक आउट होम, दिस इज योर होमवर्क। समझ में आ रहा है, मतलब अच्छी बात है कि फिर मेरी मेहनत सफल है, अदरवाइज फायदा नहीं कोई। गुड, तो यहां पर एरिया वाला पता होगा और उससे भी मास मिल जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, तीसरा, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट को क्या और बोलते हो बोलो, सर्कुलर प्लेट को क्या और बोलते हो बोलो, डिस्क बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, डिस्क बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, तो डिस्क इज नथिंग बट सर्कुलर प्लेट। तो ये सर्कुलर प्लेट हो गया मेरा, इसका दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है जी, एक्स बार वाई बार जेड बार, सेंटर ऑफ मास, टोटल मास मान लिया एम है, रेडियस आर है और ये प्लेट है अपना, तो इसमें भी वही थिकनेस होगा पीछे की तरफ, ठीक है, डेंसिटी होगा, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन डिस्क का हम डायरेक्ट याद रखते हैं क्या,
डिस्क का बताओ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बोलो। बोलो बोलो, सबने रट रखा है, किसी ने ये नहीं पूछा सर किस एक्सिस पे। एक बच्चे ने पूछा, ईशान, गुड। तो भाई जो MR²/2 एकदम से बोल देते हो इंटरव्यू में, इस तरीके से बोलोगे वो समझ जाएगा कि अभी बच्चा थोड़ा ना नादान है, जल्दबाजी करता है। आप पूछो सर अबाउट विच एक्सिस, क्योंकि एक्स पे वाई पे और जेड पे सेम होगा क्या? सेम होगा क्या? सेम थोड़े होगा। आपने जो रट रखा है वो किस एक्सिस का है? MR²/2 वो जेड एक्सिस का है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहले जेड वाला ही लिख देता हूँ, जो तुमने रट रखा है वो अबाउट जेड एक्सिस होता है। कितना होगा? MR²/2। अब एक्स और वाई पे ड्यू टू सिमेट्री दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे और दोनों ऐड हो गए जेड के बराबर होंगे। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी इक्वेशन क्या है कि एक्स प्लस वाई कर दोगे तो तुमको जेड मिलना चाहिए बिकॉज इट इज ए प्लेनर बॉडी। तो यहां से दोनों इक्वल हैं, क्या लिख दोगे? 2IXM, वाई की जगह एक्स लिख दो, इक्वल टू IZ/M। IXM इक्वल टू कितना हो गया? IZ/2, तो कितना हो जाएगा? MR²/4 हो जाएगा। उतना ही वाई का होगा, उतना ही वाई का होगा। ये सुनो, ये दोनों कितने हो गए? MR²। तो जब भी कोई पूछता है डिस्क, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो आपको पूछना चाहिए सर किस एक्सिस पर बताऊं? जेड एक्सिस पर सर MR²/2, एक्स और वाई एक्सिस पर सर MR²/4। अब मान लो कोई वो ये एक्सिस दे देता है, मान लो कोई आपसे इस एक्सिस पे पूछता है, वन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट लाइक, ये ए एक्सिस पे पूछ देगा पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऐसे, अब कैसे निकालोगे बेटा? तो अब डिस्टेंस डी जो है वो कितनी हो जाएगी? आर के बराबर, रेडियस के बराबर होगी। यस सर, आई ए निकाल लोगे कि नहीं? आई ए कितना होगा? पैरेलल एक्सिस तो हर जगह लगता है, IX/+ मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आई एक्स कितना है तुम्हारा? MR²/4। MR²/4+ MR², कितना हो गया मालिक? 4 और 1 5, 5 MR²/4 बन जाएगा कि नहीं? 5 MR²/4 बन जाएगा कि नहीं? ये आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं समझे? ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। ठीक है, जनरली किस एक्सिस पे लेते हैं? जनरली थोड़े कुछ होता है, जिस एक्सिस पे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में उस एक्सिस पे लेते हैं। डायनेमिक्स में देखेंगे जिस एक्सिस पे जरूरत पड़ेगी इक्वेशन। अब ये मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कहाँ पर है? कहाँ पर है याद है? कुछ रोटेशनल मोशन में करते हैं यूज, T=iα, T=iα करते हैं कि नहीं? हाँ, तो अगर टॉर्क तुम जेड एक्सिस के अबाउट लगाओगे, जेड एक्सिस पे घुमाओगे, तो टॉर्क अगर जेड एक्सिस का होगा तो आई भी जेड एक्सिस का लोगे, तो अल्फा भी जेड एक्सिस का होगा। और तुम अगर टॉर्क ए एक्सिस के अबाउट लगा रहे हो तो आई भी ए एक्सिस का लोगे, तो अल्फा भी ए एक्सिस पे घूमेगा। सिंपल सी बात है, यहां घुमाओगे इस प्लेट को ऐसे, या यहां घुमा रहे हो ऐसे,
हो ऐसे, तुम कैसे घुमा रहे हो प्लेट को, किस एक्सिस पे घुमा रहे हो, उस एक्सिस पे लिया जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? चमका के नहीं चमका है भाई। हाँ, क्वेश्चन मैं हर बार स्पेसिफाई नहीं करता। क्वेश्चन में ये, अब तुमको हर चीज थोड़े बोलेगा क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? तो मैं भी तो कुछ समझना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो दिया होगा कि भाई फ्लाई व्हील घूम रहा है, तो फ्लाई व्हील जनरली इसी एक्सिस पे घूमता है। कभी फ्लाई व्हील जो कार में लगा होता है, कभी देखा है कि फ्लाई व्हील इस एक्सिस, देखा है कभी? नहीं। कार के व्हील की बात कर रहा है, मान लो टायर है, तो तुम्हें पता है ना इस एक्सिस पे यहीं घूम रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, तो जेड पे लोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, तो तुम्हें इसके अबाउट लेना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में यही पढ़ेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है क्वेश्चन में, उसी एक्सिस के अबाउट इक्वेशन लगाई जाती है। ये कोई, मैंने क्या कहा, इक्वेशन ये सबको याद होती है, टी इक्वल टू आई अल्फा। यही तो भूल जाते हो किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला तो सबको याद है, फॉर्मूला किसको नहीं याद है आप में से? सबको याद होगा ये फॉर्मूला, समझे? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के ही तो ये समझना रहता है। सर्कुलर प्लेट तक आ गए, तो इस प्लेट तक देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। कौन सा? मास वाला इक्वल टू रोटी टाइम्स एरिया वाला, रोटी टाइम्स एरिया वाला, ये फॉर्मूला हमारा ये काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। कहाँ पर प्रूफ हुआ था? यहाँ पे प्रूफ हुआ था। ठीक है, मास वाला इक्वल टू रोटी टाइम्स एरिया वाला। देखो अगर इसे याद रखना है तो एरिया क्या होता है? एरिया मतलब ए प्लेन, प्लेनर बॉडी है ना, प्लेनर बॉडी। अब प्लेनर बॉडी है या एक प्लेन है, तो प्लेन क्या होता है? वेरी थिन। और जैसे मान लो कोई बहुत दुबला पतला इंसान है, बहुत बेचारा दुबला पतला इंसान है ना, उसको क्या बोलते हैं लोग? क्या है भाई, कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, सूख के पापड़ हुए जा रहे हो, बोलते हैं ना उसको। कोई बेचारा बहुत दुबला पतला है, उसको क्या बोला जाता है? क्या भाई, सूख के पापड़ हुए जा रहे हो, कुछ खाते पीते क्यों नहीं। पापड़ मतलब प्लेनर बॉडी, पापड़ मतलब प्लेनर बॉडी है ना। तो इस समय ये प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी का क्या होगा? सिर्फ एरिया होगा, और उसका फिर एरिया वाला डिफाइन किया जाएगा, एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहते हैं इसको कुछ रोटी वोटी खिलाओ, रोटी वोटी खिलाओ, तो ये तगड़ा हो जाएगा। तगड़ा हो जाएगा जब, मोटा हो जाएगा ये, तो 3D में चला जाएगा। ठीक है, 3D में चला जाएगा, तब इसका मास गेन हो जाएगा। मास गेन हो जाएगा तो इसका मास वाला डिफाइन किया जाएगा, फिर इसका मास वाला डिफाइन किया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ आई नहीं? कि एरिया वाले सूखे दुबले पतले इंसान को अगर रोटी वोटी खिला दो तो मास गेन कर लेता है, तो मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? है ना, कोरोना हुआ इसको? नहीं, ये जन्म से ही बेचारा दुबला पतला है। ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता है, लेकिन बेचारा दुबला पतला है ना। तो ऐसे किया जाता है। तो समझना चाहो तो सब कुछ दिखता है, चमकता है। तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा तब वैलिड है जब प्लेनर बॉडी हो, मतलब उसमें एरिया की बात की गई हो। ठीक है, प्लेनर बॉडी हो, रो और टी यूनिफॉर्म हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब यहाँ तो एरिया है इसमें, यहाँ लग गया ये फॉर्मूला, यहाँ भी एरिया है, यहाँ भी लग गया ये फॉर्मूला, यहाँ ये डिस्क है इसमें भी एरिया ए है, यहाँ भी लग गया ये फॉर्मूला, तो यहाँ तक ये फॉर्मूला वैलिड है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी वैलिड है, यस दोनों वैलिड है। इसके आगे देखना, अगला केस लिख रहा हूँ, सर्कुलर रिंग। क्या लिखा? सर्कुलर रिंग।
इसको तुम सिंपली रिंग बोलते हो। तो रिंग का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलो। रिंग का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलो। है भाई साहब, हाँ, अबाउट विच एक्सिस, अब भी नहीं पूछा एक ने। पूछा करो मालिक, पूछा करो, बिना पूछे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गेंदा फूल हो जाएगा, है ना। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लिया ये रिंग है जिसका मास है मैं, रेडियस आर है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज जेड। तो जो तुम बताते हो एम आर स्क्वायर, वो किस एक्सिस पे रहता है बेटा, जेड एक्सिस पे रहता है, ठीक है। आई जेड बार कौन सा वाला, मास वाला, कितना होता है एम आर स्क्वायर, रटा हुआ है, रटा हुआ है। कैसे होता है, कैसे होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन में भी बोला था ना, किसी भी बॉडी को रिंग बना दो और जेड एक्सिस से जितनी दूरी पर ये मास होगा, तो मास इंटू सीधा सीधा यहाँ रेडियस का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मास एम है, वो हर जगह आर डिस्टेंस पर है, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर ही तो है रेडियस के बराबर, तो सीधा सीधा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। कोई समस्या ही नहीं है इसमें जेड को फाइंड करने में। यहाँ तुमने एरिया का यूज किया क्या, एरिया का यूज किया क्या यहाँ पर, नहीं किया, क्योंकि इसमें एरिया है ही नहीं है, या पूरा पूरा मास सरकमफ्रेंस पर है, यहाँ एरिया नहीं बन रहा है, यहाँ एरिया वाला मत लगा देना, यहाँ एरिया नहीं बन रहा है, मटेरियल से एरिया नहीं बन रहा है, समझे। ये मास जो है एक वायर, मान लो एक सर्कुलर वायर है, ऐसे बन रहा है, यहाँ एरिया बन रहा है ना, ये मास इस एरिया पे फैला हुआ है, यहाँ एरिया क्या है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पे पूरा मास फैला है ना, यहाँ थोड़ी मास इस एरिया पे फैला है, हेयर दिस इज नॉट एरिया, यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, समझ गए। दो, इट इज ए प्लेनर बॉडी, इट विल लाइक ए प्लेनर बॉडी, क्योंकि ये मास स्टिल एक प्लेन में लाई करता हुआ दिखेगा। ये वाला जो वायर है, मान लो इसका ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ, इस वायर का खुद का, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत कम है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी रिंग, क्या इस प्लेन में मेरे को ये पूरा मास रखा हुआ दिखाई देगा कि नहीं, मुझे कैसा फील होगा कि ये पूरा मास ऑलमोस्ट इन दिस प्लेन है, इन दिस एक्स वाई प्लेन, तो स्टिल इट इज ए प्लेनर बॉडी, मास इज ऑलमोस्ट लाइंग इन ए प्लेन, तो मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होगी, समझे बात को कि नहीं समझे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होगी मेरी। और ड्यू टू सिमेट्री दोनों सेम होंगे क्या, तो 2x लिख देता हूं, आई जेड लिख देता हूं, तो x पर कितना मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर वाई 2 आ जाएगा, उतना ही y पर होगा, होगा कि नहीं होगा, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई लोगों को मजाक लग रहा होगा फिलहाल, क्या इतना छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं सर, हो सकता है लग रहा हो भाई, लेकिन एक सच्चाई बता दूं, यही किसी को नहीं पता होता है, यही छोटी छोटी बातें में ही कॉन्सेप्ट छुपा होता है, वही किसी को पता नहीं होता है। और गेट जो एग्जाम है ना, उसकी जो फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, वो इतना बेसिक पूछ देते हैं कि बता नहीं पाते हो फिर, है ना, नहीं बता पाते हो फिर, यही बेसिक चीजें ना बुक में हैं, ना कोई समझाने के लिए बैठा है आपको, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस फ्रॉम वेरी बेसिक। तो ये वैल्यू हो गई हमारे स्क्वायर बाई 2, तो परपेंडिकुलर वैलिड है, लेकिन एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं है, तो यहां तक परपेंडिकुलर वैलिड है क्योंकि प्लेनर बॉडी का केस चल रहा है, ठीक। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ रहा हूं,
अब मैं बात करता हूं नॉन प्लेनर बॉडीज की, सेकेंड केस, नॉन प्लेनर बॉडीज। नॉन प्लेनर बॉडीज बस एक प्लेन में लाई ना करें, ठीक है। इसका पहला केस मान लो मैं एक स्फीयर ले लेता हूं, तो एक स्फीयर का 3D शेप होता है, ओके। उस पर तीनों एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर क्या होगी, सिमेट्री होगी। ऑल थ्री एक्स वाई जेड एक्सिस पर सिमेट्री होगी वहां पर। मान लिया टोटल मास एम, टोटल रेडियस आर है, एंड दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर लाइक दिस, ओके। ये स्फीयर है तो इस पे एरिया वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि नॉन प्लेनर है, और यहाँ परपेंडिकुलर भी नहीं लगेगी क्योंकि ये 3D बॉडी है, नॉन प्लेनर बॉडी है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना होगा आई एक्स आई बाई आई जेड। मैं बार बार इसमें एम सफिक्स नहीं लगाऊंगा, हम जानते हैं हम मास वाले की बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 2/5 mr². डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यू कैन सी फ्रॉम एनी बुक डेरिवेशन विल बी देयर। हमारी इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ एरिया वाला फॉर्मूला और ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों ही वैलिड नहीं है, ठीक है। दूसरा केस देखो, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, तो ये जो कोन है ये भी हमारा 3D है और इसमें भी मास एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। ये मान लिया इसकी जेड एक्सिस है, लेट अस अज्यूम दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। सो दिस इज जेड, इस पूरे कोन का सेंट्रोइड यहां का ही होगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास। उससे पास करने वाली ये जेड तो यहाँ सेंट्रोइडल है, तो इस पे बार लगाऊंगा मैं। ये वाली जो एक्स एक्सिस मान लिया इसको, इस पे बार नहीं लगाऊंगा, ये सेंट्रोइड नहीं है। ये वाई, इस पे बार नहीं लगाऊंगा, सेंट्रोइड नहीं है। ये अपेक्स ए से पास कर रही है, सेंट्रोइडल जेड एक्स और वाई एक्सिस कहाँ होंगी, वो सी से पास करेंगी लाइक दिस। अभी मानते हैं, अभी बताता हूँ ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, वो भी बताता हूँ। मान लिया इसका रेडियस जो है वो आर है और टोटल मास जो है वो उसका एम है, और ये इसकी जो है हाइट है वो एच है लेट से। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आई जेड बार है सेंट्रोइडल कोन के लिए, इसकी वैल्यू होती है जेड के अबाउट 3/10 mr² और ये जो एपेक्स से एक्स और वाई है ये दोनों देखो सिमेट्री होगी दोनों में, पहली बात तो सिमेट्री होगी तो दोनों बराबर होंगे, और इनकी वैल्यू होती है 3/5 mr² / 4+h² ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट जेड एक्सिस एंड दिस इज अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, हमको ये याद रखने हैं। अब देखो जरा इसकी जो एक्स और वाई एक्सिस होगी सेंट्रोइडल वाली, तो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बन जाएगी, ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस बन जाएगी। अब सेंट्रोइडल एक्स और सेंट्रोइडल वाई जो है उनका फॉर्मूला बुक्स में बहुत कम दिया रहता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, इस कोन को या तो इस पॉइंट से हिंज करके बांध देते हैं,
या जैसे पेंडुलम की तरह मूव कराते हैं, तो ज्यादातर इस एक्सेस पे क्वेश्चन बनता है, एक्स और वाई पे। जेड तो सेम ही है। दूसरी बात क्या है कि इन दी डेरिवेशन इन एक्सेस पर पता करना इजी था, इन दी डेरिवेशन इस एक्सेस पे पता करना इजी रहता है, तो इस पर पता कर देते हैं। अब क्या इसकी हेल्प से आप इसकी सेंट्रोइडल वाली एक्सेस पे पता नहीं कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो ना। आई बार स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, आई बाई बार इक्वल टू आई बाई माइनस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ना, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह एक्स पर भी इतना ही होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब भी वैलिड होगा, उससे आप पता कर सकते हो। ओके, तो लेट से दिस इज डिस्टेंस डी, तो एट दोज एक्सिस यू कैन ऑल्सो फाइंड। बट ज्यादातर इसमें यूज इन्हीं एक्सेस का होता है, क्वेश्चन इसी पे मिलता है, तो इसी का फॉर्मूला ज्यादातर बुक्स में दिया रहता है। क्लियर? तो ये भी मेरी नॉन प्लेनर बॉडी है। अब राइट सर्कुलर कोन कैसे है? राइट सर्कुलर कोन कैसे? राइट सर्कुलर कौन बताएगा? बोलो, कौन बताएगा इसका नाम? राइट सर्कुलर कोन कैसे है? नाइन्टी डिग्री, 90 डिग्री कहां पे बन रहा है बताओ? नाइन्टी डिग्री कहां पे बन रहा है? हाँ, वेरी गुड। बेस इज परपेंडिकुलर टू दी हाइट। ये बेस है, बेस का एरिया ये, और ये हाइट की लाइन है। ठीक है, नॉन सर्कुलर कोन बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, लेकिन हाइट जो है वो परपेंडिकुलर ना करूं, हाइट कर दूं ऐसे, ऐसे भी तो कोन बन जाएगा। ये भी तो कोन है, चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका है भाई। ये वाला सर्कुलर कोन हुआ है, राइट सर्कुलर कोन, ये वाला राइट सर्कुलर कोन है, क्योंकि इसमें जो हाइट है उसको 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहां। ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है बेटा, चमक गया। जबकि बेस दोनों का सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, एरिया बेस एरिया दोनों का सेम होगा, बट दिस इज राइट सर्कुलर कोन एंड दिस इज नॉट राइट सर्कुलर कोन। तो यहां दो की बात कर ली, तीसरे की बात करते हैं, जिसको डिटेल में समझेंगे भी, वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब उसमें राइट बोलने का मतलब यहां ज्यादा बनता नहीं है, इसको सिर्फ सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हो। राइट का मतलब ऐसे मैंने आपको बता ही दिया है। मान लीजिए ये एक इसका बेस है, ये दूसरा बेस है, और ऐसे ये सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी जेड एक्सिस, ये हो जाएगी लेट से वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये तीनों ही सेंट्रोइडल हैं, ये तीनों ही सेंट्रोइडल हैं। दिस इज द बेस,
one side, any one side you can see. The radius r, let's say इस पूरे का मास m, साथ में लेट से कि इसकी लेंथ जो है वो l, लेंथ कितनी है l, ठीक है जी। ये भी प्लेनर बॉडी नहीं है, इसका जरा बताओ, किसी को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस पर कितना होता है? कौन बताएगा? टेल मी व्हाट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल जेड एक्सिस? हाँ, एम आर स्क्वायर बाय टू, वेरी गुड। क्या ये डिस्क के जैसा नहीं है? डिस्क का जेड एक्सिस पे कितना था? डिस्क का जेड एक्सिस पे कितना था? एम आर स्क्वायर बाय टू ही था कि नहीं था, बोलो। डिस्क ये देखो, डिस्क का जेड एक्सिस पर एम आर स्क्वायर बाय टू ही है कि नहीं है? सेम है। तो सिलेंडर और डिस्क का सेम क्यों मिल जाता है, बोलो? कौन बताएगा? सेम क्यों मिलेगा, बोलिए? सेम क्यों मिलता है, कौन बताएगा? हाइट प्लेज नो रोल। हाँ, हाइट या लेंथ मतलब प्लेज नो रोल। किसमें, किसमें रोल प्ले नहीं कर रहा है? किसमें रोल प्ले नहीं कर रहा है? इन फाइंडिंग एम ओ आई, दोनों जेड के ही तो अबाउट है, एक टू डी है दूसरा थ्री डी है, क्योंकि मास बाउंड्री पे है, सेम क्रॉस सेक्शन है, थिकनेस से सिर्फ जेड एक्सिस पर ही सेम होता है, जेड पर ही सेम होता है। हाँ, तो जेड पे सेम क्यों होता है, मैं ये पूछ रहा हूं। कई लोग कई आंसर बता रहे हैं, थोड़ा बहुत सही भी है। देखो यहां मैं एक फिगर बना रहा हूं, वो बताना क्या है, ये बताओ क्या है, डिस्क है या सिलेंडर है? बोलो, व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्क और सिलेंडर? ये क्या है, डिस्क है सिलेंडर है? बोथ, जो आप बोलो। अच्छा, हाँ, तो पते की बात ये है। हाँ, तो कुछ कुछ चमकना शुरू हुआ होगा, है ना? तो देखो, पते की बात ये है इसकी लेंथ, है ना, और ये है इसकी रेडियस। तुम इसको सिलेंडर बोलोगे तो मैं डिस्क बोलने लग जाऊंगा, तुम डिस्क बोलोगे तो मैं सिलेंडर बोलने लग जाऊंगा। दरअसल बात क्या है, आर और एल पे डिपेंड करता है। अगर यहां देखो, एल बड़ा है बहुत आर से, तो तुमने इसको क्या बोला, सर सिलेंडर है, ठीक। और आर अगर बड़ा कर दूं कहीं एल से, काफी बड़ा कर दूं, तो वो कैसा लगने लग जाएगा, डिस्क जैसा लगने लग जाएगा, यस और नो? तो ना ये डिस्क है ना सिलेंडर है, और ये डिस्क भी है और सिलेंडर भी है, है ना? यही ज्ञान होता है ना, रिलेटिविटी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन आर एंड एल। तो आर जब इन कंपेरिजन टू एल बड़ा होता है ज्यादा, तो वो डिस्क बोलने लगते हो,
एल बड़ा होता है तो सिलेंडर बोलने लगते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड दिस जेड एक्सिस रिमेन सेम ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड दिस जेड एक्सिस विल रिमेन सेम ना. सो व्हेन यू विल रोटेट अबाउट जेड एक्सिस लेंथ प्लेज नो रोल. एक ने बोला था लेंथ रोल प्ले नहीं करता है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन किसमें रोल प्ले नहीं करता है, व्हेन यू विल रोटेट अबाउट जेड एक्सिस. जेड एक्सिस पे रोटेट करो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा ये तुम्हारा डिस्क है कि वो है, लेंथ रोटेट ही नहीं करेगी. रोटेट क्या करेगा, रेडियस रोटेट करेगा. लेकिन अगर तुम एक्स या वाई पर रोटेट करो इसको तो तुमको फील होगा कि नहीं होगा, जैसे इस पेन को मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं, अब इसकी लेंथ कितनी भी होती तो मुझे कोई नई फीलिंग नहीं आएगी. लेकिन अगर मैं ऐसे रोटेट करूं तो ऐसे रोटेट करके देखो क्या तुम्हें लेंथ का इफेक्ट फील होता है कि नहीं होता. ऐसे ऐसे रोटेट करो, होता है कि नहीं. तो एक्स या वाई पे रोटेट करोगे तो लेंथ का इफेक्ट फील होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट रिमेन सेम इन केस ऑफ डिस्क एंड सिलेंडर. तो एक्स और वाई जेड पे सेम हो गया, एक्स और वाई पे डिफरेंट होता है. कितना वो होता है, दिस इज इक्वल टू एम बाई 12 थ्री आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. अब देखो जरा यहीं से हम लोग एक कहानी शुरू करते हैं इसके डिस्कशन की साथ में. हाँ, किसी किसी कोई कोई ये भी बोल सकता है कि ए सिलेंडर इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्क, कई डिस्क को ऐसे जोड़ते जाओ तो सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं, कई डिस्क का कॉम्बिनेशन भी सिलेंडर हो गया. और जेड एक्सिस पे घुमाने से लेंथ का इफेक्ट आ नहीं रहा है, इसलिए हो जाता है ये काम. अब यहां पर देखो, हमको पता चल गया कि ये आर और एल पे डिपेंड करता है, तो यहाँ दो केस बनेंगे. केस वन, इफ इफ आर इज मोर मोर देन एल देन इट विल लुक लाइक ए डिस्क, अभी डिस्क जैसा दिखाई देगा. उस केस में जो एक्स और वाई का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, सॉरी एक्स और वाई का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देखो एल छोटा है आर से तो एल स्क्वायर और छोटा होगा तो इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो कितना बच जाएगा, थ्री आर स्क्वायर बाई 12, थ्री से ये 12 जाएगा, कितना बच जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4. वही मिल गया जो डिस्क का था, डिस्क का एक्स और वाई इतना ही होता था. ठीक है, केस टू पे आओ. केस टू, इफ एल ग्रेटर ग्रेटर देन आर हो तब ये कैसा दिखेगा, तब ये कैसा दिखेगा, सिलेंडर जैसा. और साथ में अगर आर ऑलमोस्ट जीरो कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा, उसको बोलते हैं सिलेंडर रॉड. क्या बोलते हैं, रॉड जैसा देखने लग जाएगा ये, समझे. तो जब तुमने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया तो इट विल लुक लाइक दिस. अब इसकी जो ये जेड एक्सिस होगी वो ये थी, जेड एक्सिस ये थी, आर तुमने यहाँ रेडियस जो है वो जीरो कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, वेरी स्मॉल. तो जेड एक्सिस पे कितना था एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं. तो रॉड का उसकी जेड एक्सिस पर कितना होगा, जीरो. ये है तुम्हारी एक्स और वाई एक्सिस, दोनों पे सिमेट्री है, एक्स एंड वाई एक्स. अब की बार क्या करेंगे, एल बहुत बड़ा है तो आर वाला टर्म नेगलेक्ट कर दोगे, तो इसको नेगलेक्ट कर दो तो कितना बचेगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 बच जाएगा कि नहीं. तो फॉर्मूले से अब की बार कितना बचेगा, आई एक्स बार और आई वाई बार इक्वल टू बचेगा एम एल स्क्वायर बाई 12. तो याद रखो, अब रॉड का उसकी सेंट्रोइडल जेड एक्सिस पर कितना है, जीरो. और रॉड का उसकी सेंट्रोइडल मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्स और वाई एक्सिस पर कितना होगा, सेंटर पर एम एल स्क्वायर बाई 12. ठीक है, तो रॉड के सेंटर पे इतना होता है 12. अब आपको
किसी नई एक्सिस ए पर पूछ दिया जाए, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, रॉड के एक एंड पर ए पर एक्सिस ए पर पूछ दिया जाए इस रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास एम है, लेंथ एल है, तो कैसे फाइंड करेंगे? इस वाई के ये पैरेलल है कि नहीं है, ये डिस्टेंस डी एल वाई टू बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, पैरेलल द एक्सिस थ्योरम अब भी वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो रहेगी। तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस पूरे को रखोगे एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये सब वैल्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, कितना मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, तो इसको अब याद रखो, इसको याद रखो कि रॉड की जेड एक्सिस पे होता है 0, रॉड की कोई एक्सिस सेंटर से पास कर रही है उस पे होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और रॉड के किसी वन एंड से कोई एक्सिस पास कर रही है वहां होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, बात समझ आई? ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3 फॉर द पॉइंट ऑफ नो, सो दिस इज, अब बताओ बाई 3 ज्यादा है या बाई 12, बाई 3 ज्यादा है या बाई 12, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है भाई, विच इज मोर, बाई 3। तो ऐसे याद भी रखो कि वन एंड पर बाई 3 होगा, क्योंकि सेंटर से जब दूर जाते थे तो वो ज्यादा होता था, ज्यादा, दिस इज मोर देन एम एल स्क्वायर बाई 12। कई लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सा सेंटर पे था कौन सा एंड पे था, ऐसे याद रखो सेंटर से दूर जाते हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, बाई 3 ज्यादा होता है ना भाई साहब, ऐसे याद रखो। ठीक है, सो दिस इज, सबको समझ पड़ी बात कि नहीं? तो ये अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ पूरा। ठीक है, लास्ट इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं एक प्रॉब्लम, कि पॉइंट मास सिस्टम, तो पॉइंट मास सिस्टम में मान लो आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें तीन पॉइंट या दो पॉइंट मास ले लेता हूं, ये तीन एक्सिस हो गई एक्स वाई जेड, और इसमें दो पॉइंट मास रखा हुआ है, एक यहां है एक यहां है, ठीक, ये दो पॉइंट मास रखे हुए हैं, दोनों का ही मास मान लिया कि एम है, ये यहां से बी डिस्टेंस पर रखा है, और ये यहां से यहाँ ए डिस्टेंस है, और ये यहां से यहाँ सी डिस्टेंस है, ए सी, ओके, और यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है, बी, फिगर समझ आया, 3D में रखा हुआ है, 3D में रखा हुआ है। अब इस पॉइंट सिस्टम का मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस पॉइंट सिस्टम का, पॉइंट मास सिस्टम का एक्स एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो देखो पहले इस मास का फाइंड कर लेता हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो ये बी डिस्टेंस रोटेट करेगी, तो पहले का क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या होगा, बोलो मास इंटू किसका स्क्वायर होगा, बोलो टोम, 5 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक है कुछ स्टाफ जो है वो ऐसी जगह फंस गया है जहां उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए पिछले 4-5 लेक्चर 6 लेक्चर आपने देखे हैं वो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हो पाए हैं मेरे,
वो डाउनलोड करने होते हैं उनको, फिर अपलोड करने होते हैं, तो इंटरनेट स्पीड वहाँ काफ़ी स्लो है उनके वहाँ। होप्स हो गए हो जाएगा, और मैं सबमिट कर चुका हूँ। 5 तारीख से टोम और सोम सोम भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है फटाफट करो, ठीक है। वैसे आपको मिल जाता है लेक्चर सारा, बट लाइव भी आपको करने का साथ में मौका मिल जाएगा, ओके। बाकी मैं ये सब्जेक्ट्स रिपीट भी करूँगा, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो फटाफट करें फिर, ठीक है। पांच एक से पहले पहले ज्वाइन कर लो, जिनको करना है फटाफट करो, तो लाइव ज्वाइन कर लोगे। हाँ बोलो। तो एक्स पे घुमा रहे हो तो इसकी ये सी डिस्टेंस घूमेगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से सी बनेगी, इस मास की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी बनेगी, क्लियर है। अब इस सिस्टम को, और 2 मास थे तो दोनों का जुड़ जुड़ गया, पहले का प्लस दूसरे का। वाई एक्सिस, या चलो जेड पे रोटेट कराता हूं, पहले जेड पे बताओ, जेड पे सिंपल है थोड़ा। नहीं अभी स्पेशल क्लास तो मैकेनिक्स की चल चल रही है, देखो तो स्पेशल क्लास का टाइम कम रहता है, क्योंकि तो देखो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। जैसे मान लो मुझे अगर 100 घंटे पढ़ाने हैं, मुझे अगर किसी महीने 100 घंटे अलॉट होंगे, तो उसमें से ज़्यादा 20 या 25%, 25 आवर्स वो फ्री रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। बट ये हेल्प मेनली उनके लिए हो पाती है जिन्होंने एक बार सिलेबस कर रखा है, जिनको थोड़ा कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है, तो दोबारा सब्सक्रिप्शन ना उनको लेना पड़े, ठीक है, कहीं कोई चीज़ छूट गई थी तो कोई कुछ कंसेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये रहता है। बाकी जो है 75 आवर्स जो होते हैं वो तो आपको पेड क्लास में मिलते हैं। पेड में क्या है, आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होता है, सीधी सी बात है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, भाई मुझसे बोले मैं तो सब फ्री पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर वही है, उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, फिर वो सारे एम्प्लॉय को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे ही आपकी फीस बहुत कम रखी गई है, आप देखो जो पेड है आपका, आप खुद बताओ गेट ईएससी की फी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में कितनी है, बोलो खुद कंपेयर करो ना, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ आपसे, गेट पीएसयू ईएससी की फीस क्या है, किसी भी में कर लो, जहाँ मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था, अब भी अगर ये कोरोना वोरोना खत्म हो जाएगा तो ऑफलाइन में भी मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ ऑलमोस्ट 1 लाख फीस रहता है। मैं अच्छे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाया है, या मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाऊंगा, है ना, जो एज ए फ्रीलांसर, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे, पिछले 10 साल में जितने बड़े इंस्टीट्यूट है ना आपके, सब में पढ़ा चुका हूँ मैं इंडिया में। ऑलमोस्ट जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनमें फी 1 लाख के आसपास रहता है। फिर ऑफलाइन में क्या होता है, वो बड़े सिटीज में ही है, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, वहां जाके आपको रहना पड़ता है, ठीक है, कम से कम 1 साल में 2 लाख का ये खर्च करना पड़ता है स्टूडेंट को, और एक चीज ईयर ड्रॉप भी करना पड़ता है। ये चलो मैं मानता हूँ ये पैसे हैं कहीं से, वैसे पैसे ये इतने इकट्ठे करना भी कोई आसान बात नहीं है, हर स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मान लेता हूँ कि मैं, चलो पैसे भी आपको कहीं से मिल गए, बट जो ईयर गैप है ना, ये कोई भरपाई नहीं कर सकता, 1 साल का ईयर गैप। अभी आपको ईयर गैप का कोई इतना परेशानी नहीं फील होती होगी, लेकिन रियल चीज बताऊं, मान लो तुमने जॉब शुरू करी, तुमने एक फ्रेंड है तुम्हारा जिसने बीटेक के साथ ही 20 साल की एज में क्रैक कर दिया फाइनल ईयर के साथ, ठीक, फाइनल ईयर के साथ क्रैक कर दिया उसने, उसने थर्ड ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी और वो फोर्थ ईयर में उसने क्रैक कर दिया, उसका बिना ईयर गैप हुए वो नेक्स्ट ईयर वो जॉब ज्वाइन कर लेगा, 21 साल में जॉब ज्वाइन कर लेगा, 21 ईयर में, 21 ईयर से उसने 60 साल तक जॉब किया, मान लो गवर्नमेंट जॉब लग गया, 60 साल तक जॉब करोगे, मान लो 60 पे आप रिटायर हो रहे हो, और एक ने क्या किया, यहाँ पास आउट होने के बाद 21 में तैयारी शुरू करी और 22 में वो मान लो सिलेक्शन हो गया उसका, 1 साल पीछे हो गया, एक साल पीछे हो गया। अब ये जिंदगी भर प्रमोशन में अगर
एक जनरल बात करूंगा, देखो वैसे तो बाद में भी कोई कुछ भी कर सकता है, एक जनरल बात करूंगा, ये प्रमोशन में हमेशा 1 साल पीछे रहेगा, 1 साल पीछे रहेगा। ये जब रिटायर होगा, मान लो ये 60 ईयर में जब रिटायर होगा, ये जनरल मैनेजर बन जाएगा। और जनरल मैनेजर मान लो ये 50 की एज में बन जाता है, तो ये 10 साल तक इसको जनरल मैनेजर की सैलरी मिलेगी, और लास्ट का जो 1 ईयर गैप होगा, ये रिटायर कितने पे हो जाएगा, ये काम कितना कर पाएगा, 22 से 60 तक, 38 हुआ ना, कितने 38 साल हो गए, तो ये 38 ईयर काम करेगा और ये 39 ईयर काम करेगा। तो लास्ट का जो 1 साल होता है, यहाँ पैकेज होता है करोड़ में, 1 साल में मान लो उस समय इसका पैकेज जो होगा, लेट से 5 CR होगा, ठीक है, 1 साल का। तो इधर जो 1 साल आपने डुबाया है, मान लो इसने यहाँ 1 साल में कितना, मान लो 10 लाख कमा लिया होगा लेट से, तो यहाँ आपको लगता है अरे बस 10 लाख का ही तो लॉस है, मैंने ज्वाइन कर तो लिया 1 साल बाद, ऐसे कौन सा इसने बड़ा कर लिया, लेकिन वो इफेक्ट यहाँ समझ आता है, यहाँ ये आपका 5 करोड़ का लॉस है। आई बस समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और हमेशा फिर क्या रहेगा, वो जूनियर ही रहेगा, उससे जूनियर ही रहेगा। और अगर 1 साल बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेट से 2 साल बाद हुआ सेलेक्ट, वो 2 साल जूनियर रहेगा उससे हमेशा, दोनों ही। मान लो ऐसे कई केस हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि भाई कई बार ये हुआ कि जूनियर जो था बीटेक में, वो ONGC में सीनियर बन गया जाके, और सीनियर जो था कॉलेज में, वो बेचारा ONGC में उसके जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा है। ऐसा कई जगह हुआ है, इवन मेरे साथ भी हुआ था। मैं बताऊं, मेरे तो एक सर थे, फैकल्टी थे, ही वाज फैकल्टी, ओके, IIT में जब मैं पहुंच चुका था, मैं सेकेंड ईयर में था एमटेक में, ठीक है, आई वाज इन एमटेक सेकेंड ईयर, तब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो मेरे फैकल्टी ही मेरे जूनियर बन गए थे, मेरे सर थे वो, ठीक है, ही वाज ऑल दो ही वाज फ्रॉम EE ब्रांच, उन्होंने हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाया था मैकेनिकल में, एक था ना कुछ सेकेंड ईयर में, एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट रहता है ना, इसमें मोटर वोटर पढ़ते हैं वो सब, कौन सा सब्जेक्ट रहता है, मैं तो ध्यान, फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में रहता है, हाँ ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट होता ना, फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल रहता है, एक सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट रहता है जिसमें वो मोटर वोटर पढ़ते हैं ना, था ना वो पढ़ाया था उन्होंने हमको, वो EE ब्रांच के थे, वो सर थे, लेकिन पता है मैं पास आउट होने वाला था और उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, तो ये बात होती, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेट लिया कि मुझे गेट करना है, ये करना है वो, सो दिस इज रियल सिनेरियो। अचानक याद आ गया, ये एग्जाम्पल मैंने कभी दिया नहीं लाइफ में, लेकिन अब जरूर दिया करूंगा, याद आ गया मुझे, सो इट हैपेंस, ओके। तो आप अगर सही टाइम स्टार्ट कर देते हो, दैट इज गुड फॉर यू। तो अरे कहाँ बात कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन, ज्वाइन इट एज अर्ली एज पॉसिबल, से जल्दी सिलेबस करो, जल्दी रिवीजन करो, जल्दी खत्म करो। और कोरोना के टाइम में अभी आपको बताऊं, देखो कोरोना के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव है, निगेटिव तो दिख रहे हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड परेशान है, पॉजिटिव ये है कि इंसान को इंसान की वैल्यू समझ पड़ रही है, और ड्रास्टिक चेंज होने वाला है कोरोना के बाद, जॉब्स के टाइप में, वर्क फ्रॉम होम में, इन सब में बहुत सारा चेंज होने वाला है। एक पॉजिटिव ये, मतलब पॉजिटिव क्या, ये एक तरीके से आप लक मान लो, मैं ऐसे पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, एक एडवांटेज बोल सकता हूँ, कि जिन लोगों ने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में फीस सबमिट कर दी है, ठीक है, उनकी क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, ठीक है, अब जब एग्जाम होगा ना, तो जो ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं उनको एडवांटेज मिल सकता है, एडवांटेज मिल सकता है, तो आप समझ सकते हो कि जो कंपटीशन है वो इस साल आपको एक चांस मिल सकता है कि आप इसका एडवांटेज उठा पाए, बट आगे क्या होने वाला है दैट ना हमको पता है ना आपको, लेकिन एडवांटेजियस सिचुएशन है कि अगर आप कर ले जाते हैं, और जस्ट लॉकडाउन खुलने के बाद या वैक्सीन बनने के बाद, जैसे ही एग्जाम होगा, यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम फुल्ली, ओके, तो एडवांटेज आप ले सकते हैं। चलो जेड एक्सेस पे आओ, इस पे पढ़ना पड़, जेड एक्सेस, जेड एक्सेस,
जेड एक्सिस पर रोटेट करो, बताओ कौन कौन सा डिस्टेंस घूमेगा परपेंडिकुलर। तो जेड एक्सिस पे जब मैं घुमाऊंगा तो इसकी कोई डिस्टेंस तो घूमेगी नहीं, ये तो यहीं के यहीं रोटेट कर जाएगा। इसकी खुद की पॉइंट मास की रेडियस क्या होगी? जीरो। तो इसका खुद का तो क्या हो जाएगा? जीरो, पहले मास का जीरो हो गया। दूसरे का देखो, इसका ए डिस्टेंस घूमेगा इस बार, तो एम ए स्क्वायर हो जाएगा, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो जाएगा, यहां से यहां तक इसके बराबर होगा। सुनो, अब वाई एक्सिस की बात करो, वाई एक्सिस पे बताओ इस पहले मास का बी डिस्टेंस घूमेगा एम बी स्क्वायर, वाई एक्सिस पे घुमाओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस घूमेगा। इस सेकेंड मास के लिए बताओ क्या लिखूं, एम इंटू कितने का स्क्वायर किया जाएगा? हाँ, कंट्रोल सिस्टम ऐसे कोई सब्जेक्ट था, दूसरे मास का बोलो क्या होगा? हाँ, ना ए स्क्वायर ना सी स्क्वायर, इट विल बी आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होगा? देखो, वो डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी यहां से यहां तक, ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस। परपेंडिकुलर कैसे होगा? देखो, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, दिख रहा है कि नहीं? ये आर होगा, तो एक्सिस से डायरेक्ट लिया जाता है ना पॉइंट वाइज, ऐसे घूम घूम के थोड़े आएंगे, डायरेक्ट लिया जाता है डायरेक्ट। सो अगर आप टॉप व्यू देखो इसका फिगर का, यहां पर आपकी आंख है और आप ऊपर से देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में कैसा आपको दिखेगा? ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और पॉइंट मास कहाँ रखा है? यहाँ रखा, पॉइंट मास कहाँ रखा है? यहाँ रखा। वाई एक्सिस कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये ए है, ये सी है, लेकिन आप डायरेक्ट ये डिस्टेंस लेंगे, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो टोटल कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट नहीं करना है क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, कुछ लोग यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं, बात समझ आई कि नहीं? ये होगा अबाउट एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, क्लियर है जी? अच्छा, लगा दिया था स्क्वायर रूट, हाँ देखा, कई गलती मैं बता रहा हूँ ना, ये गलतियाँ साइकोलॉजिकल मिस्टेक हैं, हर बैच में सेम मिस्टेक मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, तो ऐसे फाइंड किया जाता है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका हो गया पूरा पूरा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हम लोगों ने स्टैटिक्स आज कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड द स्टैटिक्स टुडे, ओके। तो ये वाला पोर्शन आज अपना कंप्लीट हो गया, जोर से बोलो जय माता दी, ठीक है। अब डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, मैं ट्रांसलेशनल, फिर वर्क एनर्जी बात करेंगे, इम्पैक्ट कोलिजन, सर्कुलर मोशन, फिर रोटेशनल मोशन, फिर रोलिंग मोशन, ठीक है, इनकी बात करेंगे। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको अभी मैंने बता ही दिया कि आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना रहता है, डाउनलोड करने के बाद आपके टीएससी यहाँ सेलेक्ट करो, आपको ये दिखने लग जाएंगे आपके ब्रांच के कोर्सेस। अभी कल किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसने गलती से मैकेनिकल की जगह ECEE में ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें फिर मेरा कोड काम नहीं करेगा, फिर उसको मेरा कोड काम नहीं किया, उसने पता नहीं क्या EE10 करके कोड उसमें लगा दिया, ठीक है। मेरा कोड है MR Live, तो मैकेनिकल के आप मैकेनिकल ही सेलेक्ट करें, हालांकि उसको भी लेक्चर सारे दिखेंगे, आप इसमें किसी भी ब्रांच से आप ज्वाइन करो आपको सारी ब्रांच के लेक्चर दिखाई देंगे, बट क्या कहते हैं, आपको मेरा कोड नहीं मिलेगा, फिर कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाता है। फिर उसने मैसेज किया था, फिर उसका वो सही करवाया, मैंने कल मैसेज कर दिया था, आप में से था क्या कोई? नाम मुझे याद नहीं है, तो यहाँ जब सिलेक्ट कर रहे हो ना तो बड़ा
ध्यान से सिलेक्ट करो, वो डबल ही सिलेक्ट कर लिया अपना। सो हेयर सेलेक्ट के बाद आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंचेंगे और इसमें से किसी भी कोर्स पेड वाले पे आप क्लिक करोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन खुल जाता है। सब्सक्रिप्शन में आप ऐसे 12 मंथ पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको फी ये दिखाने लग जाएगा। फिर उसमें नीचे एक ऑप्शन खुलता है कोड, वहाँ ये कोड यूज करो तो आपको 10% ऑफ अपने आप फी इतनी दिखाने लग जाएगा। फिर वहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड होगा जो भी होगा। और जो लोग मंथली की बात कर रहे थे ईएमआई वाली, वो क्रेडिट कार्ड से होता है भाई, क्रेडिट कार्ड से होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या अपने पेरेंट्स का है, किसी का भी है, वो यूज कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में भी आप 12 मंथ सेलेक्ट करना, वो फिर अपने आप कट होगा। ये सेलेक्ट मत कर देना पर मंथ 1 मंथ, नहीं तो ये 12 महीने तक फिर ये 5-5 हज़ार रुपये कट जाएगा, समझ रहे हो? तो ये सेलेक्ट नहीं कर देना है। ओके, आप 12 मंथ ही सेलेक्ट करोगे तब वो 25 ही लगेगा, और क्रेडिट कार्ड से फिर लगभग इतना आपका जाएगा पर मंथ मेरे ख्याल से, इसके हिसाब से। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक दिस प्रोसेस ये है। बाकी और कोई परेशानी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं और डिटेल बता दूंगा आपको। लिंक वैसे मैंने मैक्सिमम लोग जितना का मैसेज आता है मैंने सबको सेंड किया हुआ है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप पहुंच जाते हो वहां पे। कोई और परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 7840072497, और फिर बता रहा हूँ एक बार, टोम का पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है 3rd चैप्टर 5 मई को। ठीक है, होप सो 5th मई को स्टार्ट हो जाएगा 99.99%। और सोम भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं फटाफट करो, 5th मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज, और कोई क्वेरी हो तो पूछो फटाफट। 1 मंथ से कोई बेनिफिट नहीं है आपको। 1 मंथ देखो क्या 5,000 पड़ेगा, ऐसे अगर आपने 3 महीने कर लिया तो 15,000 चले गए मान लो। ठीक है, और 1 महीने में आपका कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहा हूँ सारी फैकल्टी, मतलब 1 महीने में आपका एक सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा कोई, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप जीएस भी करेंगे, आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 3 महीने भी कर लिया तो आपका 12-15 हज़ार खर्च हो रहा है, और साल भर का कितना लग रहा है भाई, आपका साल भर का कितना लग रहा है, 22 हज़ार लग रहा है। बाद में ये आप पास ऑन भी कर सकते हो जैसे बाल लो। कई स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 ईयर का सब्सक्राइब कर रहे हैं, 2 ईयर का सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने में मिल जा रहा है, 27 हज़ार में मात्र। वो क्या कर रहे हैं, इसको अपना फिर पास ऑन कर देने, अब 1 साल पढ़ के अपने जूनियर को पास ऑन कर दे रहे हैं, अपने छोटे भाई को पास ऑन कर दे रहे हैं, वो उनको पास ऑन कर दे रहे हैं, तो 1 में ही 2 का काम हो जा रहा है, समझ रहे हो? लेकिन एक टाइम पे 2 पे नहीं चलेगा, कि आप 1 लो 2 आप एक्सचेंज करके पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 2 ईयर का सस्ता पड़ता है, ये 27 हज़ार का है मात्र। तो आप ये लेके आप क्या करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन यू कैन पास ऑन, छोटे भाई को दे दो, उसका भी भला तुम्हारा भी भला, अभी सबको मत बताने लग जाना। चलो ठीक है, और कोई डाउट बताओ बताओ। ब्रह्म ज्ञान पार्ट 1, ब्रह्म ज्ञान आपको मैकेनिक्स क्लास में काफी कुछ बता दिया। अच्छा, आपके बैच में शायद कम हुआ है, देखते हैं किसी दिन अलग से ब्रह्म ज्ञान की क्लास रखेंगे। ठीक है, उसमें जितने डाउट हो आप बताना, बाकी आप लोग मेरे पर्सनल जो प्लेटफॉर्म है उन पे फॉलो कर लो, उन पे बीच बीच में कभी कभी ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू सून। बाकी 2 पार्ट अभी, 2 चैप्टर हुए हैं वो अवेलेबल है वहाँ प्लेटफॉर्म पर, पार्ट 1 पार्ट 2 2 ही चैप्टर हुए हैं बेसिक, और डिटेल में, बहुत डिटेल में कराए हैं। उनमें भी कोई डाउट आपको आता है, डाउट के लिए तो मैं हूं ना, डाउट आप मुझे सेंड करो सीधे व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो क्लास कदा शुरू करो और मुझे सेंड करो। ठीक है, चलिए, ओके।